हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम भिंडी की कढ़ी बनाएंगे। अगर आपने कभी भिंडी की कढ़ी को ट्राई नहीं किया है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमने 150 ग्राम भिंडी को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो भिंडी को हम अलग रखेंगे और अब हम लेंगे 1 कप फ्रेश दही। दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। दही की जगह पर आप बटर मिल्क से भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून या 1/4 कप बेसन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट इसे फेंट लेंगे। आप सभी चीज़ों को मिक्सी के छोटे जार में डालकर भी 2 मिनट फेंट सकते हैं। 2 मिनट फेंटने के बाद अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। 1 कप दही के लिए हम 3 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे अलग रखेंगे। अब हम पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें भिंडी डालेंगे, साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और भिंडी को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। भिंडी को पकने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और हमें भिंडी को फ्राई करते हुए 80% तक ही पकाना है। तो 3 से 4 मिनट भिंडी को हमने भून लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 3 से 4 पिंच हींग। सभी को कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 6 से 7 कड़ी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च। 2 मिनट इसे और लो फ्लेम पर भून लेंगे। दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें दही का घोल डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। इस समय हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा और कढ़ी सही नहीं बनेगी। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। कढ़ी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़। आप चाहें तो गुड़ की जगह पर 1 टीस्पून चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम कढ़ी को ढककर 15 मिनट के लिए उबलने देंगे। बीच में इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे बिना ढके भी उबाल सकते हैं। 15 मिनट कढ़ी को हमने ढककर पका लिया है और कढ़ी को हमने बीच में 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी की कढ़ी बनकर तैयार है। इसे आप दाल चावल की खिचड़ी, रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस भिंडी की कढ़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।